वो तो पूरे देश में हमारे अगेंस्ट काम करती है। वो समझती है कि अगर वकील नहीं होते तो पूरे देश को लूट कर खाने का काम करते। मैं हमेशा कहता हूँ, सब लोग कहते हैं कि पुलिस और हमारा आपस में भाई भाई का चारा नहीं है, तो हमको भाई नहीं समझते, चारा समझने का काम करते हैं। इसलिए आपकी ड्यूटी अलग है, यू आर द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है कि आप किसी की नौकरी नहीं करते हैं, आप इंडिपेंडेंट है। आपका काम केवल न्याय दिलाना नहीं है, आपका काम समाज को परिवर्तन करना भी है, आपकी बड़ी है। मगर हम ऐसा प्रबंध करना चाहते हैं कि ये घटना ही ना हो, ये घटना ऐसी ना हो, कोई करने से पहले हजार बार सोचे कि किसी वकील के तरफ अगर उंगली भी उठाने का काम किया तो उसका अंजाम क्या होगा, ये होना चाहिए। हमें प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए। आप जितने लोग हैं, शेर जंगल में ज्यादा नहीं हुआ करते हैं, शेर कम ही हुआ करते हैं, इसलिए संख्या पर मत जाइए, संख्या पर मत जाइए कि लोग नहीं है, या एक लाख से ज्यादा एडवोकेट काम करते हैं दिल्ली के अंदर, पूरे देश में अंदर करोड़ों लोग काम करने का काम करते हैं, मगर इतने एडवोकेट भी अगर सोच लें कि हमने अभी आवाज उठाने का काम किया है और अगली बार जब भी कॉल की जाएगी हजारों की तादाद में हम यहाँ पर होंगे और सत्ता को ये बताने का काम करेंगे, अब हम एक्ट लिए बिना मानने वाले नहीं है। और जब हम लोग खड़े होते हैं तो सरकारें भी कांपने का काम करती है कि हम देश के हर व्यक्ति को बचाने का काम करते हैं, उनके अधिकारों को बचाने का काम करते हैं, यहाँ तक कि संविधान को बचाने का काम करते हैं। मगर जब हम पर परेशानी आती है तो कोई भी साथ देने को तैयार नहीं है, और खासकर पुलिस, वो तो पूरे देश में हमारे अगेंस्ट काम करती है। वो समझती है कि अगर वकील नहीं होते तो पूरे देश को लूट कर खाने का काम करते। मैं हमेशा कहता हूं, सब लोग कहते हैं कि पुलिस और हमारा आपस में भाई भाई का चारा नहीं है, वो हमको भाई नहीं समझते, चारा समझने का काम करते हैं। इसलिए आपकी ड्यूटी अलग है, यू आर द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि आप किसी की नौकरी नहीं करते हैं, आप इंडिपेंडेंट है। आपका काम केवल न्याय दिलाना नहीं है, आपका काम समाज को परिवर्तन करना भी है, आपकी बड़ी ड्यूटी है। आप समझते होंगे कि आप लॉयर हैं, आप सोशल साइंसिस्ट हैं, आप सोशल इंजीनियर हैं, क्योंकि समाज की तरफ, समाज की नजर आपकी तरफ है, काले कोर्ट की तरफ नजर है। अगर किसी गली में कोई वकील साहब होता है तो उसकी तरफ नजर होती है कि हमारी पूरी गली को बचाने का काम करेगा। किसी गांव में अगर कोई वकील होता है तो पूरे गांव की नजर होती है कि ये वकील हमें बचाने का काम करेगा। आप छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, मगर हम अपने आप को पहचानने में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। रेस्पेक्ट योर सेल्फ, यू विल बी रेस्पेक्टेड। जो अपना सम्मान करता है, जो कौम अपना सम्मान करती है, ये हमारी कौम है, भाईचारा है। जब कोई भी परेशानी आती है तो हम खड़े हो जाते हैं, सबके साथ खड़े हो जाते हैं, इसलिए डरने का काम करते हैं। अभी हापुड़ में क्या हुआ देखा आपने, पूरा देश का एडवोकेट तैयार हो गया। आपने तीसरी आरी में देखा, पूरा देश का एडवोकेट तैयार हो गया। जहां जहां भी घटना होती है हम लोग तैयार हो जाते हैं, मगर हम ऐसा प्रबंध करना चाहते हैं कि ये घटना ही ना हो, ये घटना ऐसी ना हो, कोई करने से पहले हजार बार सोचे कि किसी वकील के तरफ अगर उंगली भी उठाने का काम किया तो उसका अंजाम क्या होगा, ये होना चाहिए। हमें प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए। और आप जितने लोग हैं, शेर जंगल में ज्यादा नहीं हुआ करते हैं, शेर कम ही हुआ करते हैं, इसलिए संख्या पर मत जाइए, संख्या पर मत जाइए कि लोग नहीं है, या एक लाख से ज्यादा एडवोकेट काम करते हैं दिल्ली के अंदर, पूरे देश में अंदर तो करोड़ों लोग काम करने का काम करते हैं, मगर इतने एडवोकेट भी अगर सोच लें कि हमने अभी आवाज उठाने का काम किया है और अगली बार जब भी कॉल की जाएगी हजारों की तादाद में हम यहाँ पर होंगे और सत्ता को ये बताने का काम करेंगे, ये अब हम एक्ट लिए बिना मानने वाले नहीं है। और जब हम लोग खड़े होते हैं तो सरकारें भी कांपने का काम करती है। आप जैसे लोग हैं, लीडरशिप है, एडवोकेट लीडर होता है, एडवोकेट लीडर भी होता है, तो आप लोग जब लीडरशिप करते हैं केवल ये ना सोचे कि आप बार तक लीडर बनेंगे। क्यों सोचना चाहते हैं आप, क्यों पार्लियामेंट नहीं जाना चाहते? पार्लियामेंट क्यों नहीं जाते? गए भी है पहले भी पार्लियामेंट, लॉ मिनिस्टर रहे हैं। सबसे पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। कितने लॉ मिनिस्टर हैं जो एडवोकेट हैं, वहां जाके क्या हो जाता अपने भाइयों को पूछते नहीं है? आप लोग भी अगर जाएंगे, आप लोग भी लीडर बनेंगे, तो आप लोग भी अपने भाइयों के बारे में सोचकर काम करें। हम अगर उन लोगों को ही पकड़ लें जो एडवोकेट है, जो राजनीति के अंदर है, उनसे कहें कि हमारी बात को पार्लियामेंट में रखने का काम करें, तो बहुत जल्दी एक्ट बनने का काम हो जाएगा काम। मगर हमारे पास में कोई ऐसी स्कीम नहीं है। एक आदमी ने बुलाने का काम किया, हम सोच रहे कि नौते पर आए हैं, ऐसा नहीं है। सबका काम है। इनका काम थोड़ी है, प्रोटेक्शन मिलेगी तो मेरे को मिलेगी, इन भाइयों को भी मिलेगी, हमारे बहनों को भी मिलेगी, और जो दूर दराज में बैठा हुआ हमारा एडवोकेट भाई है, जिसको कोई उम्मीद नहीं है कि मेरे पास आएगा, उसको भी मिलेगी, सबको मिलेगी ना।
तो सबका काम है। जब सबका काम होता है तो सामूहिक तरीका से करना चाहिए और हम लोगों को बताना चाहिए। अभी तो कुछ लोग झांक रहे थे इधर उधर कि यार हम शामिल हो ना हो, कोई क्या कहेगा, कोई देखेगा कि यार बहुत कम भीड़ है। हम तो बहुत आंदोलन करते रहते हैं, सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन करते रहते हैं, हम बहुत सारी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। ये जगह तो हमारी बहुत फेवरेट जगह है, यहां से पूरे देश के अंदर आवाज उठाने का काम करते हैं। इस जगह ने बहुत सारे हमें अधिकार दिलाने का काम किया है और ये अधिकार भी हम लेकर रहेंगे। जब आदमी सोच लेता है अपने मन के अंदर तो बड़े से बड़े पहाड़ को काटने का काम करता है। जब इंसान सोच लेगा कि हाँ इस पर बात करने का काम करेंगे तो सारी अदालतों में जब बात होंगी, अभी हमारे भाई कह रहे थे कि हमने बिल्ले बांट रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के बिल्ले बांटने का काम कर रहे हैं, वो पूरे देश में पहुंचाने का काम करें, इसको मैसेज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जन जन को फैलाने का काम करें, हर एडवोकेट को बताने का काम करें कि आपकी सुरक्षा के लिए है, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए है। अगर कोई वकील चला जाता है तो उसके परिवार को कोई देखने वाला नहीं होता है, कोई होता है तो बताइए, क्या सोशल सिक्योरिटी है, क्या फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपके पास में, कोई नहीं है आपके पास में। जब तक आप गलत कर रहे हैं, जब तक सेफ हैं, अचानक कुछ हो गया, आपके साथ कोई घटना हो जाती है तो कोई पूछने वाला नहीं है, केवल ये जो परिवार है ये पूछने वाला है, केवल ये जो परिवार है, ये भाई, ये पूछने वाला है। और मैं हमेशा कहता हूं एक वकील का जीवन सबसे ज्यादा अदालत में कटता है, घर तो वो सोने के लिए जाता है, घर तो वो सोने के लिए जाता है, सुबह 10 बजे आता है, 5-6 बजे तक वो न्यायालय में रहता है, अपने भाइयों के साथ रहता है। तो विचारों के पुत्र खून के पुत्र से ज्यादा कहीं अच्छे होते हैं। तो आप मेरे भाई हैं, आप हमारे भाई हैं, भाईचारा पैदा करिए। जिस दिन भाईचारा पैदा हो जाएगा वकीलों में, आप अगर आवाज भी उठाएंगे तो ऐसी देश के अंदर कोई ताकत नहीं है जो आपकी आवाज को इग्नोर कर सकता है, कोई ताकत नहीं है। मुझे लगता है इतनी बड़ी ताकत नहीं है, आप हवाओं का रुख बदल सकते हैं, आप तूफान का रुख बदल सकते हैं, आपके अंदर वो ताकत है। ये काला कोट वैसे ही नहीं है, ये काला कोट वैसे ही नहीं पहन रखा है, आपको ताकत का ही नहीं पता इसका। किसी ने जब काला कोट पहना तो देश को बदल दिया। हम लोग अपने लिए प्रोटेक्शन भी नहीं मांग सकते, इसलिए मैं तो बड़ा पॉजिटिव इंसान हूं। अगर हम सब लोग इकट्ठा हो जाए और निर्णय कर ले कि हाँ हमको कोई बड़ा प्रदर्शन करना है इस देश के अंदर, राजधानी के अंदर बड़ा प्रदर्शन करना है और सोती हुई सरकारों को जगाना है, हो जाएगा, 100% हो जाएगा, मेरा विश्वास है। इसी विश्वास के साथ मैं आप सब लोगों से एक अपील करना चाहता हूं कि साथियों, जब अपनी बात आए तो खड़ा हो जाना चाहिए और जब दूसरे की बात हो जाए तो पूरे परिवार के साथ खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि हम दूसरों के लिए काम करने के लिए बने हैं। इसलिए आप लोगों ने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों, और वकील एकता जिंदाबाद। हमने हमारे पैसा